बेटा हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा, अब वीडियो नंबर 8 लेके आ रहे हैं बेटा हम लोग। ये वीडियो नंबर 8 होगी आपके लिए। कौन सी वीडियो बेटा? 8 वीडियो होगी। और चैप्टर हमारा जो एज यूजल चल ही रहा है बेटा, क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक है वो कवर करेंगे। ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, फिर हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। बहुत आसान है बेटा। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहली चीज़ हमारी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग, वैसे पता है आपको कि हम लोग जो चैप्टर हमारा हम लोगों ने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, वहाँ कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारा आज का टारगेट है बेटा, यहाँ पर हम क्या कवर करेंगे बेटा? आज हम लोग कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा, कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटे, ये आप जरूर डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे हम लोग। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने बनाने जा रहा हूँ बेटा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है ये समझते हैं। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें इसलिए बनाना है बेटा यहाँ पे, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर में क्या आ गया, कोई नया पर्सन आ गया, कोई नया पर्सन आ गया। मैं कहता हूँ ए और बी ने बिजनेस शुरू करा था आज से 5 साल पहले, तब बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी। बिल्डिंग कितने की थी? 1 लाख की थी। आज वो बिल्डिंग कितने की हो गई? 1,50,000 की। मैंने आपसे पूछा बेटे कब बिजनेस शुरू करा उन्होंने, आप कहोगे सर उन्होंने बिजनेस शुरू करा है 5 साल पहले, तब बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, आज 1,50,000 रुपये की बिल्डिंग हो गई है और नया पार्टनर बाहर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मुझे बिजनेस में शामिल कर लो। तो हमने कहा भैया अभी रुक जाओ, कि अभी हमारी जो बिल्डिंग है 1,50,000 की हो गई है, तो इसका मतलब मान लीजिए इनकी रेशियो पहले इक्वल थी, तो यानी कि जो बिल्डिंग जो बढ़ी है उसके अंदर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसके कारण बिल्डिंग बढ़ी है? आप कहेंगे सर सी तो एडमिट ही नहीं हुआ अभी तक। यानी कि जो बिल्डिंग बढ़ी है, जो बिल्डिंग बढ़ने से जो 50,000 का जो फ़ायदा हुआ है वो किसको मिलना चाहिए बेटा? ए और बी को मिलना चाहिए, यानी कि पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं यहाँ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ बेटा। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? रिवैल्यूएशन। यानी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यू करेंगे। यानी कि जो पार्टनर आया है, हमने बोला भैया तू बाहर बैठा रहे, अभी तू मत आ, पहले क्या कर रहे हैं हम सारी एसेट्स की वैल्यू निकलवा रहे हैं, अगर कल को फ़ायदा हो गया तो हम बांट लेंगे, और कल को हमें लॉस हो गया तो भी हम क्या करेंगे बांट लेंगे। यानी कि पार्टनर के आने से पहले ये सारे काम हम कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है बेटा, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह काम करता है बेटा। ये इसकी डेबिट साइड कहलाती है, ये इसकी क्रेडिट साइड कहलाती है। ये पहले चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में भी हम कर चुके हैं बेटा। ये वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी बेटे आपके लिए? ये वाली साइड हमेशा आपकी सैड साइड कहलाएगी बेटा, और ये वाली साइड हमेशा आपकी क्या कहलाएगी बेटा? हैप्पी साइड कहलाएगी। जब भी आपको फ़ायदा हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और कभी भी आपको नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे लिख देंगे बेटा? डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये आपको सीखना है बेटा यहाँ पे। ये आपका रुपीज़ का कॉलम है और ये पर्टिकुलर्स का है, वो आपको मालूम है। तो कब कब हम हैप्पी होते हैं इन बातों की जानकारी हम लोग करते हैं। बाद में हम न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे बेटा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बाय इंक्रीज इन एसेट्स बेटा। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मैंने ऐसे एरो बना के लिख दिया बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा उसको हम यहाँ लिख देंगे, अगर बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो भी हम उसको यहाँ लिखेंगे। यानी लाइबिलिटी वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है? कि आपको किसी को कम पैसा देना है तो आप क्या हो जाएंगे उससे? हैप्पी हो जाएंगे, कल आप खुश हो जाएंगे आप। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये बाय है कि जैसे रिपीटेशन है आपके लिए, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी बुक्स में, अब किसी पार्टनर का एडमिशन हो तो पता लगा कि हमारे पास ये एसेट है, अब उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? अनरिकॉर्ड एसेट होगी। यानी कि वो एसेट भी किसकी थी? खाली ए और बी की थी, तो उन लोगों के बीच में ही ये बटेगी। यानी कि जो भी रिवैल्यूएशन का काम होगा वो दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स। अगर ओल्ड पार्टनर तीन है तो तीन के बीच में बट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर अगर कोई भी नुकसान होता है, अगर आप सैड हो जाते हैं, यानी कि नुकसान कैसे होंगे? टू। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन एसेट। अगर किसी भी वैल्यू एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो अच्छी बात है, गंदी बात है? आप कहेंगे सर गंदी बात है, यानी कि आप सैड हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगी। एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? 1 लाख की चीज़ आपकी 70,000 की रह गई है, तो कम हो गई तो यहाँ आ जाएगी। यहाँ आके लिखेंगे टू। टू का मतलब क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो भी गंदी बात है, उसको भी हम यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? क्रेडिट है, पहले 20,000 के थे, अब कितने के हो गए? 30,000 के हो गए, तो आपके लिए गंदी बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? टू। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स में नहीं थी, यानी कि वो अब हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा?
रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो वहाँ लिख देंगे। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई हमारा ऐसा खर्चा था जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, हमें किसी को सैलरी देनी थी आउटस्टैंडिंग थी हमने नहीं दी, कोई लीगल चार्जेस का क्लेम है ठीक है, कोई हमारे पास कोई और आउटस्टैंडिंग क्लेम है। और अब दोबारा देख लेते हैं, थोड़े हैप्पी साइड को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, पहले 1 लाख की एसेट थी अब कितनी हो गई, 1,50,000 की हो गई, बढ़ गई, ये लिख देंगे अच्छी बात है। लाइबिलिटी पहले 80,000 की थी अब 70 की रह गई, भगवान करे ऐसा ही हो तो फ़ायदा हो गया 10,000 रुपये का, वो लिख देंगे यहाँ पर। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमें पता लगा हमारे यहाँ पर कोई टाइपराइटर था हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, अब हम क्या करेंगे उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इस अकाउंट को हम क्या करते हैं बेटा, क्लोज़ करते हैं। इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो दो ही बातें आएंगी बेटा, बहुत आसान है, या तो प्रॉफिट आएगा बेटा, यहाँ लिखते हैं टू गेन लिख देते हैं या प्रॉफिट लिख देते हैं, गेन चलेगा। टू गेन ट्रांसफ़र टू, मैं ट्रांसफ़र के लिए हमेशा TF लिखता हूँ, को बताया ट्रांसफ़र टू PCA पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू PCA पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, कोई एक ही चीज़ आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। और हमेशा याद रखेंगे किस रेशियो में बटेगी बेटे, ओल्ड रेशियो में बटेगा, हमेशा लिख लो ओल्ड रेशियो में ही सारी चीज़ें बढ़ती हैं बेटे। ये ओल्ड रेशियो में क्या होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो हम इसको बांट देंगे। अब बात आती है बेटे इनकी जनरल एंट्रीज की, बात आती है जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान है, यानी कि आप हमेशा याद रखो मैक्सिमम 3 ही एंट्री हमारे पास आती है बेटा यहाँ पे रिवॉल्यूशन में। पहले उसी कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाह रहा था बेटा, 3 एंट्री हमारे पास क्या चीज़ आती हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये क्रेडिट साइड के आइटम की मैंने एक ग्रुपिंग कर दी, लाइबिलिटी साइड के आइटम की मैंने एक ग्रुपिंग कर दी, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। कौन सा अकाउंट बनाया बेटा मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो एंट्री 3 ही बनेगी मैक्सिमम बेटे। पहली एंट्री क्या बनेगी, ज्यादा से ज्यादा बेटे ये एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, अनरिकॉर्ड एसेट की वैल्यू हमारी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो हर केस में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अगर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटे, जो भी चीज़ों के यहाँ नाम लिखे होंगे, जो भी चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखे होंगे तो हम क्या लिख देंगे बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या बेटा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और यहाँ मार्कर काफ़ी मोटे हो गए, और अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन। एक एंट्री ये बनेगी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, अब यहाँ रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड की आइटम की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी बेटे, इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और उन तीनों के नाम लगा देंगे बेटे, रिवैल्यूएशन टू टू टू, अगर जितने आइटम उनके लिख देंगे, टू एसेट्स, यहाँ क्या लिखेंगे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नेचुरल से बात क्रेडिट होती है, और टू क्या लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये लिख देंगे हम लोग। अब तीसरी एंट्री क्या आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट के केस में क्या होगी, यानी थर्ड एंट्री के दो हिस्से कर दिए मैंने, ए और बी करके मैंने कर दिए भाई, या तो मुझे क्या होगा भाई थर्ड एंट्री के अंदर में क्या होगा भैया, या तो प्रॉफिट हो जाएगा हमें, क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री आएगी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट साइड पर आएगा, एंट्री क्या आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, मैं मान के चल रहा हूँ दो ही पार्टनर ए और बी। और लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या एंट्री बन जाएगी, ये एंट्री यहाँ आएगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने जैसे ए बी, यहाँ क्या लिख दिया ए और बी, एंट्री क्या आ जाएगी ए बी टू क्या आ जाएगी बेटे, बिल्कुल सही कहा टू रिवैल्यूएशन आ जाएगी। बस यही तो एंट्री है और कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा आइटम है ही नहीं है, तो ए बी टू रिवैल्यूएशन करके हम एंट्रियाँ पास कर देंगे। चलिए जी, ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो गया, ये आप आसानी से कर पाएंगे, पहले भी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया हुआ बेटा, उसी को आगे हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे अगला टॉपिक क्या आएगा बेटा, जो समझने वाला है हमारे पास, बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा बेटा इसके अंदर में आएगा, वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्या आएगा बेटा ये हम लोग कर चुके हैं, जस्ट एक रिविजन की फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, सेम हमारा रिपीटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए, क्या करते हैं बेटे माता रानी की 9 आइटम, माता रानी की ये 9 आइटम होती हैं, उनके ऊपर हमें क्या देना है थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 9 आइटम क्या क्या होती हैं वो हम समझते हैं, आपको हमेशा क्या दे रखी होती है बेटे बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट के अंदर ये 9 आइटम आपको दे रखी होती हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक्रोनम भी बनाया हुआ है जिसका नाम देते हैं हम RIPGW, और यहाँ लिखते हैं हम लोग GDPA। इसका वर्ड बोलते हैं रेस्ट इन पीस गुडविल, क्या बोलते हैं रेस्ट इन पीस गुडविल, इसको बोलते हैं GDP कहाँ की है बेटे ऑस्ट्रेलिया की है, ये जी है बेटा, ये GDP क्या है ऑस्ट्रेलिया की, इन सबके नाम हैं। आर का मतलब क्या है बेटा रिजर्व फंड है, क्या है रिजर्व फंड। आई का मतलब क्या है
इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में लिखेंगे बेटा थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप सभी को इसके बारे में मालूम है। पी का मतलब क्या है, पी एन एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। जी का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व है। और डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, पता है आपको। यहाँ जी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे गुडविल है, इसका मतलब क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पी का मतलब क्या है बेटा, पी एन एल अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है। और ए एस ए का मतलब, ए का मतलब क्या है बेटे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये 9 आइटम है बेटा, 5 आइटम इधर हैं और 4 आइटम इधर है। इन्हें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स में बांट देते हैं, बस मोटी सी बात है। और हमेशा किस चीज़ में बटेगी बेटा, ये फिर से लिख देता हूँ, किस में बांटेंगे बेटा, हमेशा आप ओल्ड रेशो में इन चीज़ों को बांट देंगे। किस रेशो में बांट देंगे बेटे, ओल्ड रेशो में अगर इन चीज़ों को बांट देंगे तो कहीं दिक्कत आने वाली बात आपको नहीं है। बांटने का काम सिंपल तरीके से है, फिर भी यहाँ पे 2 आइटम है जिनके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इनको बोलता हूँ, जैसे आप देखते हैं कि घर के अंदर में एक ऑरेंज लाइट आती है बेटे, कौन सी लाइट आती है, ऑरेंज लाइट होती है, ठीक है। ये येलो लाइट भी बोलते हैं हम लोग जब ट्रैफिक में जाते हैं, आई और डब्ल्यू, ये दो लाइटें हैं, ये सीधे सीधे नहीं बांटते। इनके केस में ना नीचे में कुछ लाइबिलिटी वगैरह दे रखी होती है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। आप चेंज इन पीएसआर की कोई वीडियो देखोगे तो उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, चेंज इन पीएसआर या इसकी कोई वीडियो देखोगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, ताकि आप आसानी से कर पाएंगे। तो वहाँ के इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एंट्री पास करते हैं, वो भी हम लोग वीडियो यहाँ पे आपके साथ में अटैच कर देंगे बेटा, ताकि आपको ध्यान रहेगा। आईएफआर का और किसका करेंगे बेटा हम लोग, यस बेटा डब्ल्यूसीआर का हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो एंट्री कैसे करें हम लोग, ये 9 आइटम बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे, बांटना बड़ा आसान काम है। किसे बटेगी बेटे, पार्टनर से बटेगी। किस रेशो में बटेगी बेटे, ओल्ड रेशो में बटेगी। तो सर एंट्री क्या करें हमें ये बताओ, एंट्री करना बड़ा आसान है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में सारी आइटम बेटे लाइबिलिटी साइड पे आती हैं, और ये वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, आपकी हमेशा एसेट साइड होती है। बांटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये सारी चीज़ें जो क्रेडिट होती हैं वो डेबिट हो जाएंगी। यानी क्या आ जाएगा, शॉर्टकट में देखें तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट, और बोलिए क्या बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट। थोड़ा इनका ध्यान रखना पड़ेगा, आई और वी, मैं और हम, आई और वी, पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व और डब्ल्यूसीआर। टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर किसके अंदर बांट देंगे बेटा, यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, पुरानी चीज़ें पुरानी रेशो में, पुरानी चीज़ें पुरानी रेशो में। अच्छा सर ये ओल्ड रेशो में बांट देंगे हम लोग, सर यहाँ पे क्या एंट्री करें, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कुछ प्रैक्टिकल्स लेके आएंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू गुडविल लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे डी आर ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, पी एन एल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एस ए लिखेंगे, अटैचमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन सारी चीज़ों को बांट देंगे। यानी कि मैक्स से मैक्स कितनी एंट्री होने वाली है यहाँ पे बेटा, 2 ही एंट्री होने वाली है इस माता रानी के आइटम्स को बांटने के लिए, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, आई और डब्ल्यू को छोड़ के, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपको कोई और जानकारी भी दी जा सकती है। एक चीज़ हमें ये समझनी थी यहाँ पे, यानी कि इसका बी पार्ट ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। चलिए जी आगे क्या करना है इस चैप्टर के अंदर में, आगे कुछ नहीं करना, एक काम और करना है बेटे इस चैप्टर के अंदर में, वो तीसरा काम है वो और समझ लेते हैं हम लोग। यानी कि क्या करेंगे बेटा, तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके लिए बेटा आपको मालूम ही है, बहुत ही एक पॉपुलर वर्ड हमारे पास है जो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है बेटे, बी सी पी आर ए। तो बी सी पी आर ए की अप्रोच को हम क्या करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लिया मैंने, ये मेरे पार्टनर्स आ गए यहाँ पे, ये देखिए ये मेरे 3 पार्टनर्स आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी, ए बी और सी, यहाँ आपका पता ही है आपको क्या लिखते हैं आप, पर्टिकुलर्स, यहाँ भी क्या लिखते हैं आप, पर्टिकुलर्स। तो यहाँ बी सी पी आर ए की अप्रोच हम फॉलो करेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप कहेंगे सर बी सी पी आर ए क्या है, ये तो आपको मालूम ही है, केवल जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि जब भी आप काम करेंगे तो बी सी पी आर ए की अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो बी का मतलब क्या है, सबसे पहले लिखते हैं बी का मतलब बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी सी पी आर ए। आपको बी कॉम करना है बेटे, क्या करना है आपको, बी कॉम करना है। कहाँ से करना है, रविंद्रा अग्रवाल यूनिवर्सिटी से करना है। कहाँ से करना है आपको, बी कॉम प्रोग्राम करना है, रविंद्रा अग्रवाल यूनिवर्सिटी से आपको ब्रोकॉम प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मैं बोलता जा रहा हूँ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सी का मतलब लिखेंगे बेटा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर।
कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। पी का मतलब बेटे PFG, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन कराई है। प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या करेंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। आर का मतलब क्या आएगा बेटा? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। क्या आएगा बेटा? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। और ए का मतलब क्या आएगा बेटा? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज। जो हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि 5 आइटम हमारे पास आएंगे, उनको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बताया, सबसे पहले इस अकाउंट में क्या लिखेंगे? हाँ जी, सबसे पहले सर BCPRA अप्रोच को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले बैलेंस लिखे जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का और बी का बैलेंस आएगा, सी का बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भैया सी तो अभी आया है, आपको याद है चेंजिंग रेशो के चैप्टर में खाली सी नहीं आता था, अब वो भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय कैश, यानी कि जो कितनी कैपिटल जो लेके आ रहा है वो आ जाएगा बाय सी। अब क्या आएगा? पी का मतलब क्या होता था बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होता है बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या होता था? आपको एंट्री अभी आपको आ गई है, अब तो प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या करते थे बेटा? हम लोग करते थे ना बेटे कैश टू क्या करते थे? नॉर्मली PFG करते थे, फिर क्या करते थे? PFG टू ए और टू बी एंट्री करते थे, नहीं करते थे हम लोग? करते थे सर। यानी कि ए और बी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। नाम किसका लगा देंगे बेटा यहाँ पे? बाय PF और G, और यहाँ X और मतलब ए और बी में अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि कैश टू PFG तो आएगा नहीं यहाँ पे। PFG में क्या आएगा? ए और बी क्रेडिट हो रहा है, नाम PFG का आ जाएगा। ये भी हो गया, बैलेंस भी लिख दिया, कैपिटल भी लिख दिया, प्रीमियम भी लिख दिया। आर का मतलब सर? आर का मतलब वही बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट आ गया तो। और सर लॉस भी तो आ सकता है, लॉस आ सकता है, तो लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ क्या लिख देंगे? लॉस लिख देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? लॉस आ जाएगा हमारे पास। चलिए जी, और इसके अलावा क्या बची हमारे पास? केवल मात्रानी बची। मात्रानी को कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। जो 5 आइटम है वो आ जाएंगे। किस रेशियो में आएंगे? बिल्कुल ओल्ड रेशियो में आएंगे, जैसे पहले आते थे। और यहाँ तो इस चैप्टर में चक्कर भी नहीं है कि बांटना है या नहीं बांटना, बड़ा कन्फ्यूजन होता था चेंज इन रेशियो में। यहाँ तो बांटना ही बांटना ही बांटना है, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, बाय IFR, RIP बाय IFR। और बताइए क्या क्या है, बताते जाइए मुझे। बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं? रिपीटेशन ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। बाय IFR, बाय RIP, PNL, बाय जनरल रिजर्व, बाय WCR, यानी कि सारी चीज़ों को हम बांट करके AB में आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 2 2, वो चारों के चारों आइटम आ जाएंगे। क्या हैं सर वो चार आइटम? वो चार आइटम हमारे पास क्या हैं? एक हमारे पास गुडविल है, GDD का मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, PNL का डेबिट बैलेंस है, और ASA एडवर्टाइजमेंट सेल्स बैंक अकाउंट है। इनको हम बांट लेंगे। आपको काफ़ी हद तक लग रहा होगा सर ये तो करा हुआ है। हाँ जी बेटा करा हुआ है, बहुत आसान है। इसके बाद क्या करेंगे? इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो क्या आएगा? बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस को बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, A, B और C। बस यहाँ एक पार्टनर और जुड़ गया, उसका नाम क्या है? CA। ये किसका फॉर्मेट करा हम लोगों ने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्या अप्रोच फॉलो करी बेटा? BCPRA की आपने अप्रोच फॉलो करी बेटा। आप इसको देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ये वीडियो हर जगह आपके बेटा काम आने वाली है बेटा। थैंक यू बेटा।